नमस्कार नागपुर हलचल में आपका स्वागत है तो अब नजरें डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्तव्य संपन्न कार्यकाल पर आधारित कर्मयोगी नमो नामक लघुपट स्पर्धा का भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ महाराष्ट्र प्रदेश द्वारा आयोजन किया गया है इसी स्पर्धा के पोस्टर का विमोचन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया गया इस अवसर पर प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शैलेश गोज मुगंडे सह संयोजक संजय भाकरे विदर्भ संयोजक कुणाल गड़ेकर मकरंद भालेराव श्याम निस्साल व पदाधिकारी उपस्थित थे भाजपा के सेवा व समर्पण अभियान के अंतर्गत स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कर्मयोगी नमो नामक लघुपट स्पर्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उल्लेखनीय कार्यकाल पर आधारित होगा एक मिनट से लेकर बारह के इस लघु चित्रपट के लिए भाषा का कोई बंधन नहीं रखा गया है स्पर्धा के लिए प्रथम पुरस्कार पचहत्तर हजार द्वितीय पुरस्कार इक्कावन हजार रूपए तृतीय पुरस्कार इक्कीस हजार रुपए तथा पांच प्रोत्साहन पुरस्कार प्रत्येक पंद्रह हजार रूपए अलावा विजेता प्रतिभागियों को सम्मान चिन्ह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को पुरस्कार वितरण होगा कर्मयोगी नमो लघु चित्रपट स्पर्धा निःशुल्क है अधिक जानकारी के लिए संजय भाकरे और विदर्भ विभाग संयोजक कुनाल गड़ेकर से संपर्क करने का आवाहन भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने किया है आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर महावितरण के नागपुर शहर मंडल कार्यालय द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया शिविर में महावितरण के एक कर्मचारियों ने सामाजिक प्रतिबद्धता का दायित्व निभाते हुए रक्तदान किया नागपुर ग्रामीण मंडल के अधीक्षक अभियंता नारायण आमझरे ने रक्तदान किया और इस पहल में सक्रियता के साथ भाग भी लिया शिविर का उद्घाटन नागपुर मंडल के क्षेत्रीय निदेशक सुहास रंगारी ने किया कार्यक्रम में मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने विशाल रक्तदान शिविर आयोजित करने के संबंध में नागपुर नगर मंडल कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की सराहना की नागपुर परिमंडल के मुख्य अभियंता दिलीप ढोड़के ने कहा कि रक्तदान सबसे उत्तम दान है इस शिविर के उद्घाटन के अवसर पर नागपुर ग्रामीण विभाग के अधीक्षक अभियंता नारायण आमझरे नागपुर शहर विभाग के अधीक्षक अभियंता अमित परांजपे डॉक्टर आशीष खंडेलवाल कार्यकारी अभियंता राजेश घाटोले हिमराज ढोके राहुल जीव तोड़े प्रफुल्ल लांडे मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी मधुसूदन मराठे आदि उपस्थित थे मेट्रो सिटी के एवं अमिताभ बच्चन द्वारा विशेष तौर से सम्मानित कला क्षेत्र में अग्रणी आर्ट किंग अभय घुसे की दीपोत्सव पर स्वर्ण लक्ष्मी का नैनाभिरा साकार रूप कला शिल्प में श्री लक्ष्मी जी के सिंहासन स्वर्ण बिस्कुट लगाकर सजाया गया है यह स्वर्ण बिस्कुट अभय घुसे ने प्लाईवुड पर तराशे हैं। आभूषण एवं रत्न जड़ित कला शिल्प सोनेरी साड़ी अभय घुसे ने विशेष तौर पर निर्माण करवाई है बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय नागपुर द्वारा बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नागपुर के तत्वावधान में नागपुर शहर स्थित नराकास के सदस्य कार्यालय के राजभाषा अधिकारियों हेतु एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया इस हिंदी कार्यशाला का के, के कर कमलों द्वारा किया गया इस कार्यशाला में बैंक नराकास से बारह राजभाषा अधिकारी उपस्थित थे इस कार्यशाला में इसके साथ ही इस कार्यशाला में बैंक ऑफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं से इक्कीस स्टाफ सदस्य उपस्थित थे इस अवसर पर बोलते हुए चैटर्जी ने कहा कि हमें अपने कार्यालयों में अपना अधिकतम कार्य हिंदी में करना चाहिए ताकि राजभाषा हिंदी में कार्य करने का प्रतिशत बढ़ाया जा सके इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नराकास के सभी सदस्य कार्यालयों को मिलकर आपस में बेहतर कार्य निष्पादन करना चाहिए ताकि नागपुर शहर में राजभाषा हिंदी को नई गति मिल सके अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमें भारत सरकार की राजभाषा नीति का पूर्ण पालन करते हुए नागपुर शहर की छवि निर्माण करनी चाहिए जिससे आने वाले समय में भारत सरकार की उत्कृष्ट नराकासों में शामिल बैंक नराकास नागपुर का नाम और रोशन हो सके स्थानीय नागपुर जिला सेतु कार्यालय में मध्य नागपुर संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समिति की सभा अध्यक्ष जुल्फिकार अहमद भुट्टो की अध्यक्षता में संपन्न हुई सभा में तहसीलदार चैतालीस सावन तथा नायब तहसीलदार अश्विनी जाधव प्रमुखता से उपस्थित थे सभा में 130 लाभार्थियों के आवेदन मंजूर किए गए सभा में जुल्फिकार अहमद भुट्टो ने कार्यालय के अधिकारियों से कहा कि लाभार्थियों की केस जल्द से जल्द जाँच पड़ताल कर पात्र प्रकरणों को दूसरी मीटिंग में उनके प्रकरण भी मंजूर हो सके। इस बैठक में संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समिति मदनागपुर के अध्यक्ष जुल्फिकार अहमद भुट्टो और सदस्य संघपाल गान वैशाली उदापुरकर रवि पराते श्रावण सावजी खापेकर सागर चौहान रोशनी निखारे आशीष कटारे आदि उपस्थित थे नगर की विख्यात सामाजिक सांस्कृतिक संस्था ज्येष्ठ मित्र मंडल की ओर से जेरीपटका स्थित मातेश्वरी भवन में हिट्स ऑफ मन्ना डे के रंगारंग कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया मंडल अध्यक्ष अर्जुन दास आहूजा ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए मंडल का परिचय दिया सभी गायक व वादक कलाकारों का परिचय देते हुए उन्हें मंच पर आमंत्रित कर उनका सत्कार किया गया स्वागत कार्यक्रम का संचालन मंडल कोषाध्यक्ष अशोक गांधी ने किया शानदार सुरीले गीतों ने कार्यक्रम का संचालन विख्यात उद्योगिका श्वेता शिलगावकर ने अनूठे वाक किया कार्यक्रम के सौजन्य कर्ता भूषण कुमार खूबचंदानी महेश किंगरानी प्रकाश हेमराजानी, जैकी पारवानी का सत्कार किया गया गायक कलाकार नरेंद्र बोबड़े अमित गणवीर श्रेया खराबे गौरी शिंदे एवं अरविंद कुलकर्णी ने एक से बढ़कर एक यादगार नगमो की प्रस्तुति देते हुए चुनरी संभाल गोरी ऐ मेरे प्यारे वतन जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो ऐ भाई देख के चलो जनक जनक तोरी बाजे पाया दिया दिल का हाल सुने दिलवाला एक चतुर नार फूल गेंदवा मारो ऐ मेरी जोहरा जवी चुनरी में दाग गीत गाकर समा बांध दिया वादक कलाकारों में कीबोर्ड पर परिमल जोशी गिटार पर गौरव टकसाले तबला और ढोलक पर पंकज यादव ऑक्टोपैट पर नंदू दिया फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम के तत्वावधान में डॉक्टर अलामा इकबाल को याद किया गया उनकी जयंती प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाई जाती है उनकी लिखी रचनाओं को आज के परिप्रेक्ष्य में समीक्षात्मक अध्ययन करने पर प्रासंगिकता देखने को मिलती है उनकी दर्शक की झलक उनकी नज़मों में देखने को मिलती है जो आज के हालात में बिल्कुल फिट बैठती है कार्यक्रम की अध्यक्षता सनाउल्ला खान ने की दूजा मोहम्मद इरशाद, रिजवान अहमद मोहम्मद अजहर अमजद खान सलमान शेख सैयद शाहिद अब्दुल अमानी कुरैशी ने डॉक्टर इकबाल की रचनाओं पर ताज किया विश्लेषण किया गया आयोजन मौलाना इरशाद ने प्रस्तावित परिचय दिया तथा मंच संचालन आभार अब्दुल अमान कुरैशी ने किया दिवाली के उपलक्ष्य में दिवाली छुट्टी में छोटे बच्चों को किले के बारे में जानकारी मिलने एवं बच्चों के कला गुणों को प्रोत्साहन मिले एवं स्वराज्य के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ मिलकर कैसा प्रयास किया इसका अभ्यास एवं जानकारी सभी को मिले इस उद्देश्य से मारुति देवस्थान आयोजित मंदिर रोड बड़कस चौक इस परिसर में स्पर्श तुपकर एवं टीम ने समुद्र में काल्पनिक किले की प्रतिकृति का निर्माण किया इस किले के निर्माण के लिए टीम में आशंका बोरकर भारती बोरकर स्वराली तुपकर आश्लेषा रोटे रितेश रोटे प्रेम माझी राजदीप सामंत संचित बंड आदि ने परिश्रम किया उसी प्रकार रूपाली तुपकर प्रकाश रोटे बाला बोरकर श्रीकांत उज्जवल तुपकर सतीश गौरीहर अशोक लिखार का बच्चों को किला बनाने में मार्गदर्शन मिला इन छोटे बच्चों ने बनाए समुद्र का काल्पनिक किला देखने काफी उत्सुक छोटे बड़े दर्शक आकर गए किला तैयार करने वाली संपूर्ण टीम का मारुति देवस्थान के ट्रस्टी एवं सामाजिक संस्थान के पदाधिकारी मित्र परिवार ने अभिनंदन किया एवं उन्हें शुभ शुभकामनाएं दी के उत्साही व सरगम युवा तथा समाज सेवी जुल्फिकार अहमद शानू गोल इंडिया मजलिस इतिहादुल मुस्लिम का नागपुर शहर उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है उनकी नियुक्ति शहर प्रभारी निसार सिद्दीकी ने की है जुल्फ़िकार अहमद ने अपनी नियुक्ति पर महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष सांसद इम्तियाज़ जलील निसार सिद्दीकी व शहर अध्यक्ष जावेद अख्तर शाहिद नूरा भाई और सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया उन्हें यूथ अध्यक्ष वकार अंसारी उत्तर नागपुर अध्यक्ष नसीम अख्तर इर्शाद अंसारी एहफाज पटेल वसीम खान मोहम्मद एजाज निसार अख्तर अंसारी बिलाल अंसारी आदि ने मुबारकबाद दी

अग्रवाल साड़ी सेंटर के सौजन्य से यह भजन संध्या आयोजित हो रही है इस भजन संध्या को सफल करने हेतु आर्ट ऑफ लिविंग के प्रदीप कामवानी प्रवीण पुनियानी अतुल बख्शी हर्षद कोतुरवार तथा भारतीय अग्रवाल एकता क्लब के श्री राजेश मोदी राजेंद्र अग्रवाल विशाल अग्रवाल विजय लोहिया तथा हरिओम बाबा गौशाल के ओम प्रकाश अग्रवाल राजेश खंडेलवाल पवन अग्रवाल विशेष रूप से प्रयासरत हैं। उपरोक्त कार्यक्रम की अत्यंत सीमित पास होने की वजह से इच्छुक भजन प्रेमी शीघ्र संयोजकों से, से पास लेने का निवेदन विजय लोहिया ने किया है अखिल भारतीय साहित्य परिषद महाराष्ट्र और माध्यम त्रैमासिक पत्रिका के तत्वावधान में दीप पर्व पर आओ दीप जलाएं विषय केंद्रित अखिल भारतीय काव्य संध्या का आयोजन किया गया चांदी समर ने जब अंधियारा घंगोर हो सन्नाटा चारों ओर हो तुम पहला कदम उठाना खुशियों के दीप जलाना पढ़कर कार्यक्रम का आगाज किया कृष्ण कुमार द्विवेदी मंजिल मगर धीरे धीरे गजल पढ़कर समा बांध दिया अविनाश बागड़े ने कहा कि मोहब्बत के तुमने दिए जो जजलाए हमें रोशनी के वो ख्वाब आ रहे हैं संजय द्विवेदी ने विजय पर्व का अभिनंदन किया राष्ट्र पर्व का अभिनंदन है कि माध्यम से अयोध्या का स्मरण किया डॉक्टर उषा कनक पाठक ने इस बार दिवाली के दीयों में एक दीप ऐसा भी जले जो दूर कर संतापों को सबके उर में प्रेम भरे द्वारा विषय को सार्थकता प्रदान की डॉक्टर प्रमोद भ्रुगवंशी ने दीप पर्व पर बात एक अब ले आओ संज्ञान में गद्दारों को गिन गिन कर फांसी दे दो हिंदुस्तान में कहकर ऊंचाई प्रदान की मृद्र तिवारी महक ने कहा हो चली आओ माँ के माध्यम से माँ की ममता को चित्रित किया महाराष्ट्र विधान परिषद के पांच स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए छह सदस्यों का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 को समाप्त हो रहा है भारत निर्वाचन आयोग ने इन छह खाली होने वाली सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है जिन विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 1 जनवरी को पूर्ण हो रहा है उनमें रामदास गंगाराम कदम मुंबई अशोक अर्जुन राव जगताब मुंबई सतेज उर्फ बंटी डी पाटिल कोल्हापुर अम्बरीश रसीक लाल पटेल धूले और नंदुरबार गोपी किशन राधाकिशन बाजोरिया अकोला बुल्ढाना और वाशिम गिरीश चंद्र बच्चराज व्यास नागपुर का समावेश है इस चुनाव की अधिसूचना मंगलवार 16 नवंबर 2021 को जारी होगी नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2021 है 24 नवंबर 2021 को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी शुक्रवार 26 नवंबर 2021 हजार उम्मीदवार आवेदन वापस लेने की आखिरी तारीख है विधान परिषद की इन छह सीटों के लिए शुक्रवार 10 दिसंबर 2021 को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा मतों की गिनती मंगलवार 14 दिसंबर 2021 को होगी इस चुनाव की पूरी चुनाव प्रक्रिया गुरुवार 16 दिसंबर 2021 को पूरी हो जाएगी टीवीएस मोटर कंपनी के अध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में श्रीनिवासन को उनके अमूल्य योगदान के लिए देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया दक्षिण भारत में ग्राम विकास के अनोखे मॉडल के जरिए समाज के प्रति प्रतिबद्धता के लिए श्रीनिवासन को पहचाना जाता है वेणु श्रीनिवासन टीवीएस ग्रुप के चेयरमैन हैं। इस समूह में सुंदरम, क्लेटोन और दुपहिया तथा तीन पहिया वाहनों की वैश्विक स्तर की प्रतिष्ठित विनिर्माता टीवीएस मोटर कंपनी शामिल है राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था श्रीनिवासन सर्विसेज ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, जो उन्होंने उन्नीस में स्थापित किया था यह ट्रस्ट पांच से भी अधिक गाव में कार्यरत है और इसके महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण और वनीकरण शामिल है जीएच रॉयसोनिक कॉलेज ऑफ साइंस कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी द्वारा हाल ही में दिवाली तथा रमजान के त्योहारों को दीप रमजान स्वरूप में मनाया गया इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संस्कृति में हर धर्म के त्यौहार को भाईचारे तथा शांति से मनाने की परंपरा को अधोरेखित करना था इस कार्यक्रम में नृत्य गायन तथा फैशन शो जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में बीबीए तथा बीसीसीए के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया इस अवसर पर एक अति विशाल भारत देश के नक्शे के आकार में रंगोली बनाई गई जिस पर करीबन पांच दीप जलाए गए जो कि हमारी एकता

तथा डॉक्टर आरती देशपांडे संचालक रायसोनी बिजनेस स्कूल के करकमलो द्वारा किया गया महावीर इंटरनेशनल सर्विस ट्रस्ट ने अपने सदस्यों व परिवारों के लिए गरबा रास के साथ दिवाली की रात गोदरेज आनंदम में महापौर दयाशंकर तिवारी की उपस्थिति में आयोजित की दीप प्रज्वलन पूर्व सांसद अजय संचेती व महापौर दयाशंकर तिवारी ने किया लव ऑल सर्व ऑल के आदेश वाक्य और जियो और जीने दो के सिद्धांत से लेस महावीर इंटरनेशनल एक प्रमुख एनजीओ है जिसने अहिंसा अहिंसा के दर्शन और शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य अपने हाथ में लिया सत्य अहिंसा साथी भावना और भाईचारा हर जगह परियोजनाओं में जयपुर फुट सेंटर फिजियोथेरेपी और नवजात शिशुओं की माताओं को बेबी किट का प्रावधान शामिल है इस अवसर पर बोलते हुए अजय संचेती ने कहा कि दीपावली के पावन पर्व पर आज सामाजिक एकता बनाए रखने की नितान्त आवश्यकता है संस्था ने हर वक्त सामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़ कर लोगों की निस्वार्थ सेवा की संचेती ने बताया कि जयपुर फुट के माध्यम से संस्था का जो उल्लेखनीय कार्य रहा जिससे संस्था का नाम संपूर्ण भारत भर में फैला है। महापौर दयाशंकर तिवारी ने भी संस्था के कार्यो की भर भर प्रशंसा कर सभी सदस्यों को दिवाली पर्व की बधाई दी भविष्य में भी इस कार्य को कार्यक्रम के चलते सभी सदस्यों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल था छठ पूजा समिति पूर्व नागपुर द्वारा जबलपुर हाईवे से लेहगांव होकर कन्हा नदी पुल के नीचे पर पहला अर्घ देने के लिए हजारों की संख्या में छठ व्रतियों अपना परिवार के साथ पहुंचकर करी भगवान सूर्य को अर्घ देकर परिवार समाज व देश की कुशलता की कामना की छठ व्रतियों में इस पर्व को लेकर बड़ा उत्साह देखा गया सूर्यदेव व छठ मैया की विधिवत पूजा कर सभी ने उनको प्रसन्न कर आशीर्वाद मांगा छठ व्रतियां कल उगते भगवान सूर्य को अर्घ देकर छठ महापर्व का समापन करेंगी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उमाकांत अग्निहोत्री विदर्भ अध्यक्ष डीबी सिंह और जिला अध्यक्ष राम प्रताप शुक्ला एवं छठ पूजा समिति पूर्व नागपुर संयोजक एम एम शर्मा ने कहा कि छठ व्रतियों द्वारा चार दिन से रखा गया निर्जला व्रत और कठिन तपस्या कल उगते सूर्य को दूसरा अर्घ देकर पूर्ण करेगी सच्चे दिल से पूजा करने से छठी मैया व भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और छठ व्रतियों की सारी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं इस मौके पर छठ पूजा समिति पूर्व नागपुर अध्यक्ष मंडला मेहता विपिन गुप्ता शंकर दयाल शुक्ला संतोष पंडित पंकज तांती अशोक मेहता कुंदन शर्मा प्रहलाद राम विजय ठाकरे पंजाबी तांती रोशन पांडे गुंजन रजक बबलू तांती अनिल पंडित आदि उपस्थित थे भोई समाज क्रांति दल महाराष्ट्र प्रदेश द्वारा वर्धा जिले के समुद्रपुर तालुका में वरबड़ी और वाक्सुर शाखा का उद्घाटन रविवार को किया गया इस मौके पर भोई समाज क्रांति दल के संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश लोनारे प्रमुख मार्गदर्शक प्रदेश संगठन मंत्री राहुल हरसुले मुख्य अतिथि भोई समाज युवा क्रांति दल के उपाध्यक्ष मितेश हरसुले मुख्य अतिथि महाराष्ट्र राज्य भूजल संघ अकोला के पूर्व अध्यक्ष दशरथ केवट विशेष रूप से उपस्थित थे साथ ही कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में भोई समाज क्रांति दल के जिलाध्यक्ष अमोल बावने नागपुर विभागीय अध्यक्ष नंदू कोल्हे वर्धा जिला महिला उपाध्यक्ष ज्योत्सना कंडे समुद्रपुर तालुका उपाध्यक्ष विशाल सुरजू से आदि गणमान्यों का समावेश था कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश मोहिजे एवं छाया दानव ने की कार्यक्रम में प्रस्तावित भोई समाज क्रांति दल वर्धा जिला सचिव पंकज बावने एवं आभार प्रदर्शन भगवान निमसड़े द्वारा व्यक्त किया गया कार्यक्रम की शुरुआत श्री मनचिंद्रनाथ महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की पूजा के साथ हुई इस अवसर पर बरबाड़ी व शाखा शाखा के ईश्वर जोगे, प्रमुख अमोल बबन उप शाखा प्रमुख गंगा निमसड़े कोषाध्यक्ष शालू सुरजू से सदस्य की नियुक्ति कर अभिनंदन किया गया आज अस्थांजल भगवान सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा नहाए खाए खरना के बाद छठ व्रत की शुरुआत हुई अस्तांचल भगवान सूर्य को पहला अर्घ देने के लिए छठ व्रतियों ने निर्जला व्रत रखा है जो गुरुवार की सुबह सूर्य के समय दूसरा अर्घ देकर व वह छठ मैया की विधि विधान से पूजा कर उपवास छोड़ेंगे छठ व्रतियों के लिए निशुल्क लोहे के बने पूजा घाट बनाए गए हैं छठ व्रतियाँ छठ गीत गाते हुए पूजन सामग्री अर्पण करेंगी छठ व्रतियां छठ मैया की पूजा कर अपने परिवार की खुशहाली व संपन्नता का आशीर्वाद मांगती हैं। की की आराधना पूरे पूरे उत्तर भारत में पूरे जोश के साथ की जाती है सच्चे दिल से पूजा करने से छठी मैया व भगवान मैयादेव प्रसन्न होते हैं और छठ व्रतियों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं लोग सुख संपत्ति पारिवारिक शांति नौकरी व्यवसाय व अपने अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की कामना करते हुए पूजा करते हैं उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उमाकांत अग्निहोत्री विदर्भा डी बी सिंह व जिला अध्यक्ष राम प्रताप शुक्ला एवं छठ पूजा समिति अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए फल फूल दूध अगरबत्ती माचिस आदि पूजन सामग्री की निःशुल्क व्यवस्था की गई है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज साहिब ठाकरे ने एसटी कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए उनकी प्रमुख मांग राज्य सरकार में राज्य परिवहन महामंडल का विलय करने का समर्थन किया है महाराष्ट्र के प्रत्येक मन सैनिक को जो इस लड़ाई में एसटी कर्मचारियों के साथ खड़े होने के आह्वान पर हेमंत गडकरी सहित मनसे के प्रमुख पदाधिकारियों ने नागपुर के गणेश डिपो में एस कर्मचारियों के धरना स्थल को भेंट दी और इस अवसर पर नारेबाजी करते हुए उनकी मांग पर सरकार से तत्काल कार्रवाई करने की भी मांग की इस अवसर पर मनसे के शहर उपाध्यक्ष प्रशांत निकम, नगर सचिव घनश्याम निखाड़े, उत्तर मंडल के अध्यक्ष उमेश बोरकर गिरहे, सचिन व मंगेश शिंदे, मनोज गुप्ता पवन साहू सुभाष ढबाले लाला ससाने मोहित देसाई विजय त्रिवेदी अनिकेत दहीकर राजेंद्र पुराणिक सागर नन्हे राहुल वंजारी सुनील गवई विक्रम गुप्ता मंगेश सुरमवार अभय प्रयाग ननावरे धीरज गजबी नितिन तल्लीकर शुभम तिजारे गौरव मुलमुले प्रज्वल देशमुख सहित एमएनएस महिला सेना जिलाध्यक्ष अंजला मेसन नगर अध्यक्ष मनीषा पापड़कर व संगीता सोनटक के उपाध्यक्ष स्वाति जायसवाल पूनम चगड़े सुनील कैथल और मंजूषा पानबुड़े अर्चना करुक वैशाली फूलजले मनीष खरे तथा एसटी चालक वाहक सहित अन्य आंदोलनकारी कर्मचारी उपस्थित थे शहरवासियों को 1 दिसंबर से कोविड वैक्सीन का पहला डोज लेने के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा नागपुर महानगर पालिका के सभी टीकाकरण केंद्रों पर टीके का पहला डोज लेने के लिए नागरिकों को शुल्क का भुगतान करना होगा नागपुर शहर के दो लाख सत्तर हजार नागरिकों ने अब तक कोविड वैक्सीन का पहला डोज नहीं लिया है नागपुर महानगर प्रशासन को डर है कि इन लोगों की वजह से कहीं दोबारा कोरोना वायरस का संक्रमण न ना फैले नागपुर महानगर का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 18 प्लस लस आयु वर्ग के नागरिकों की जनसंख्या उन्नीस लाख तिरसठ हजार है इनमें से 16 लाख बयानवे हजार नागरिकों ने वैक्सीन का पहला डोज लिया है मनपा प्रशासन को डर है कि शेष दो लाख सत्तर हजार नागरिक कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कारण बन सकते हैं अगर तीसरी लहर का आगमन होता है तो जिन दो दशमलव सात लाख नागरिकों ने टीका नहीं लगाया है उनमें संक्रमण का खतरा अधिक होगा इसीलिए तीसरी लहर को रोकने हेतु इन दो लाख सत्तर हजार नागरिकों का टीकाकरण करवाने की आवश्यकता को समझते हुए तीस नवंबर तक इन नागरिकों को का लगाने के लिए एक विशेष जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है तो नागपुर हलचल में आज इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज नमस्कार